बाढ़ आती रहेगी तो पैसा आता रहेगा नेताओं के पास, बाढ़ आती रहेगी तो फंड आते रहेंगे, नदियां गंदी रहेंगी तो उनकी सफाई के लिए फंड आते रहेंगे, तो फिर सफाई करनी ही क्यों है भाई। नमस्कार आदाब और हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। इस समय देश का उत्तरी हिस्सा भयंकर बाढ़ से जूझ रहा है और आपने न्यूज में तो देख ही लिया होगा कि सेंटर इस समय राजधानी दिल्ली है। भले ही बाढ़ का सेंटर हो चाहे ना हो, राजनीति का तो सेंटर है ही, इसीलिए सबसे ज्यादा ध्यान इस वक्त दिल्ली पर ही है। न्यूज चैनल कह रहे हैं यमुना फ्लड्स दिल्ली, लेकिन ये सच नहीं है। सच है दिल्ली फ्लडेड यमुना। यमुना हमारे घरों में नहीं घुसी, हम यमुना में घुस गए। और आप जा करके जरा राजधानी दिल्ली में जो सो कॉल्ड फ्लडेड इलाके हैं, बाढ़ पीड़ित इलाके हैं, वहाँ पे जा करके देखिए, आपको पता चलेगा कि यहाँ पे निर्माण होना ही नहीं चाहिए था, यहाँ पे लोगों को बसना ही नहीं चाहिए था। लेकिन भ्रष्टाचार ऐसा कि थोड़े से पैसे खिला दो और आप कहीं पे भी कुछ भी कर सकते हैं। तो इस समय पार्टियां आरोपी आरोपी खेलने में लगी हुई हैं कि दोष किसका है। कोई उठ करके कहता है वेकअप दिल्ली, देखिए आपका शहर डूब चुका है, ये आम आदमी पार्टी वालों की वजह से है। आम आदमी पार्टी वाले रिटेलिएट करते हैं भाजपा पे, कहते हैं कि इनके सांसद ही नालायक है, राजधानी दिल्ली के सारे ही सांसद जो है वो भाजपा के हैं, तो फिर गलती आम आदमी पार्टी की कैसी है। तो ये सारी चीजें चलती रहती हैं यहाँ पे, लेकिन हर बार की तरह थोड़ी सी बारिश होती है अगर तो दिल्ली डूब जाती है। और इसमें दोष नेचर का नहीं है, बार बार कहा जाता है नेचुरल डिजास्टर, प्रकृति की विनाश लीला, बारिश की विनाश लीला, ये नेचुरल डिजास्टर नहीं है, ये मैन मेड डिजास्टर है। दिल्ली हर बार डूबती है, मुंबई में भी यही हाल देखने को मिलता है। और हाँ ठीक है, इस बार बारिश ज्यादा हुई है, ज्यादा तबाही बताई जा रही है क्योंकि नदी का पानी आ गया है दिल्ली शहर में अंदर तक। लेकिन जब कम बारिश होती है तब भी राजधानी दिल्ली में घुटने तक पानी भर जाना बहुत आम बात है। इसमें गलती बारिश की नहीं है, इसमें गलती प्रकृति की नहीं है, नदियों की नहीं है, इसमें गलती उन लोगों की जिनके ऊपर जिम्मा है तैयारियों का। अरे भाई आप नालों को साफ रखिए, थोड़ी सी बारिश हो जाए, राजधानी दिल्ली का कोई भी नाला ढंग से काम ही नहीं करता, सब जगह पे कूड़ा कचरा भरा पड़ा है। दिल्ली सरकार और MCD आपस में तूतू मैमें में लगे रहते हैं और जनता जो है वो कीचड़ में बाहर निकलने के लिए मजबूर रहती है। जब हर साल होता है तो तैयारियां क्यों नहीं करते हैं, और पूरे साल मत भी करो, लेकिन बारिश आने से पहले तो नालों की सफाई करवा सकते थे ना, वो भी नहीं हुआ तुमसे। फिर कहेंगे कि प्रकृति की विनाश लीला, यमुना ने डुबा दिया, यमुना ने ये किया। अरे यमुना कोई गाली दोगे, यमुना कैसे मानहानि करोगे तो चलेगा क्या? बिल्कुल नहीं चलेगा। जिन नदियों ने हमें जिंदगी दी, हमने अपनी उन नदियों को खत्म कर दिया। जिन नदियों की वजह से हमारी सभ्यता फली फूली, उन नदियों को हमने नालों में तब्दील कर दिया। और जब मैं ये कह रही हूँ कि नदी को नाले में तब्दील कर दिया, तो ये कोई उपमा नहीं है। आप राजधानी दिल्ली में देखिए, हथनी कुंड बैराज से निकलने के बाद से यमुना का जो रिवर बेड है वो ड्राई हो चुका है, यानी कि पानी जो है वो नीचे यमुना में आ ही नहीं पाता है। ईस्टर्न और वेस्टर्न कनाल के जरिए यमुना का पानी निकल जाता है, यानी कि अगर अभी केवल कहने के लिए नालों को रोक दिया जाए राजधानी दिल्ली के, तो यमुना की जगह पे केवल एक सूखी हुई जमीन मिलेगी। तो यमुना अब नदी है ही नहीं, वो नाले ही यमुना बना रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि कैसे भ्रष्टाचार ने, लालच ने सिस्टमेटिक तरीके से हमारी नदियों को खत्म कर दिया और जो आम लोग हैं वो इसका नतीजा झेल रहे हैं। लाल किले से तो आपने तस्वीरें देख ही ली होंगी कि कैसे यमुना का पानी लाल किले तक पहुंच गया है। अभी कितनी बड़ी बात बताई जा रही है, लेकिन हकीकत ये है कि यमुना का वो रास्ता हुआ करता था। जगह बढ़ाने के लिए यमुना को हम सिकोड़ते गए, लेकिन आप पुरानी अगर तस्वीरें देखिए तो लाल किला बिल्कुल ही यमुना के किनारे पर बना था। आज जो तस्वीरें हाहाकारी बताई जा रही हैं, वो तस्वीरें ही असलियत हुआ करती थी। आप इन दोनों तस्वीरों को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि इस वक्त मैं कहना क्या चाह रही हूँ। यमुना अपने घर में वापस पहुंचना चाहती है। यमुना को सिकोड़ करके आपने कुछ दिनों के लिए भले ही पीछे कर दिया हो, लेकिन नदी रास्ता भटकती है, रास्ता भूलती नहीं है। एक तर्क ये भी दिया जा सकता है कि अरे अब तो शहर का विकास हो ही गया है, लोग बस गए हैं, पूरे के पूरे शहर को थोड़ी ना खत्म कर देंगे। लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि विकास हुआ, पर क्या वो विकास के नाम पे जो विनाश चल रहा है वो रुका उसके बाद से? अगर केवल बसने के लिए जगह चाहिए थी तो वो तो मिल गई, लेकिन उसके बाद से किस तरह से नदी का शोषण हो रहा है, इस पर भी तो विचार करना चाहिए। हकीकत ये है कि जिन नदियों का पुराना
रिश्ता रहा है सभ्यताओं से, शहरों से, उन नदियों से दूर हो चुके हैं यहाँ के लोग। खासतौर से जो शहरों के लोग हैं उनके अंदर नदी से बिल्कुल भी अटैचमेंट है ही नहीं। उनके लिए एक केवल एक वाटर बॉडी है जो कि वहां पे है। यमुना से भयंकर बदबू उठती रहती है, उसी पुल से नेता जाते हैं, उसी पुल से हर एक इंसान काम पे जा रहा है, घरों को जा रहा है, लेकिन किसी को एक सेकंड भी ये क्या दिमाग में आता है कि ये हमारी यमुना नदी है, वो नदी जो कि कृष्ण को प्यारी बताई गई है। यहाँ के लोग धार्मिक तो बहुत है, लेकिन क्या वो धार्मिक लोग भी ये एक बार भी सोचते हैं कि ये वही यमुना है और हमने कैसे इसको मार दिया है। हम नदियों के किनारे तो हैं पर अब नदियों के करीब नहीं रहे। सबसे पहले समझते हैं कि इस बार की जो ये बाढ़ है वो आई कैसे। कहा जा रहा है कि हथनी कुंड बैराज से जब पानी छोड़ा गया तो हर बार की अपेक्षा ज्यादा जल्दी दिल्ली पहुंच गया। इस पे लोग कह रहे हैं ऐसे कैसे हो गया, आश्चर्य हो रहा है लोगों को। ये आश्चर्य की बात कैसे है जब हमने तटबंधों को बना बना करके और यमुना की धार को ही रोक दिया। पानी जब आगे बढ़ता है तो अपने साथ गाद लेकर के आता है और वो गाद किनारों पे जाता है। ये गाद ही काफी अच्छी भूमि तैयार करते हैं जिसमें अच्छी फसलें होती हैं, लेकिन तटबंध लगने की वजह से वो पानी फैल नहीं पाता है। यानी कि यमुना के साथ जो गाद आता है वो यमुना की सतह में ही रह जाता है और जैसे जैसे सतह में गाद इकट्ठा होते जाएगी उसके बाद से पानी ऊपर उठता जाएगा। ये तो सिंपल सी बात है, इसमें तो बहुत ज्यादा ज्ञान विज्ञान लगाने की भी जरूरत नहीं है। यमुना उथली हो गई और यही कारण है कि पानी जो है वो अंदर नीचे की तरफ जा ही नहीं पाया, क्योंकि नीचे की तरफ कुछ बचा ही नहीं है, तो यमुना का पानी आगे आकर के दिल्ली में फैल गया। गाद की वजह से उथली हो चुकी नदियों को साफ करने के लिए ही बड़े बड़े फंड आते हैं। जो पॉल्यूशन की वजह से गंदगी आती है उसकी भी सफाई के लिए फंड आते हैं। तो ये जो फंड आते हैं वो जाते कहाँ पे हैं? आपको क्या लगता है, जो नेता बार बार नदियों की सफाई के लिए तमाम योजनाएं लेकर के आते हैं, करोड़ों करोड़ों पैसा जिसमें लगता है, वो नेता थोड़ी बहुत भी दिलचस्पी रखते हैं सफाई के लिए? बिल्कुल नहीं। बिना जनरलाइज करते हुए मैं कह रही हूं कि एक भी नेता अब तक जिसने भी तमाम योजनाएं पास कराई किसी को भी इंटरेस्ट नहीं रहा है नदियों को साफ कराने में। आप यमुना की बात ले लीजिए। आइए सबसे पहले देखते हैं कि यमुना पे अब तक पैसा कितना खर्चा हुआ है। 1993 से लेकर के 2020 तक केंद्र सरकार का 5400 करोड़ रुपया यमुना की सफाई में लगा है। 2015 से 2020 तक दिल्ली सरकार का 700 करोड़ रुपया यमुना की सफाई में लगा है। 2022 के बजट में दिल्ली सरकार यमुना की सफाई के लिए 570 करोड़ रुपए पास करती है। 2017 से लेकर के 2021 तक केंद्र सरकार का 6800 करोड़ रुपया यमुना के ऊपर खर्चा हुआ है। दिल्ली सरकार 1028 करोड़ रुपए यमुना की सफाई के लिए जो ग्रांट है उसको अप्रूव करती है। तो ये इतने करोड़ करोड़ में जो नंबर्स हैं वो जाते कहाँ हैं? ये जाते हैं नेताओं के पेट में, क्योंकि यमुना के लिए जो स्पेसिफिक योजनाएं आती हैं उसकी सफाई के लिए, उसके अलावा नमामि गंगे योजना में भी यमुना के लिए फंड आता है, लेकिन इतना सारा का सारा फंड आया परिस्थितियां बिगड़ती गई। लग रहा है पैसा साफ करने के लिए नहीं गंदा करने के लिए ये लोग लगा रहे हैं। अरे स्थिति अगर एक जगह ठहर भी जाती तो समझ में आता, पर जैसे जैसे पैसा आ रहा है वैसे वैसे यमुना गंदी होती जा रही है। तो यमुना की बाढ़ से दिल्ली डूबी नहीं है, डुबाई गई है। आप देखिए यमुना में इंक्रोच यानी अतिक्रमण कितना है। आप गीता कॉलोनी की बात कर लीजिए, ओखला, शाहीन बाग या फिर जैतपुर, ऐसी कई कॉलोनियां मिल जाएंगी जो कि यमुना के रिवर बेड पे बसी हुई हैं। यमुना को आस्था के नाम पर भी बर्बाद कर दिया गया। दुनिया भर के जो मूर्तियां वगैरह सब कुछ चीजें डाली जाती हैं जो कि पॉल्यूशन का एक बड़ा कारण है। उसके अलावा श्री श्री रविशंकर एक कार्यक्रम कराते हैं यमुना के किनारे और उसमें यमुना को इतना तबाह कर दिया उन्होंने कि एनजीटी के अनुसार अगले 10 साल तक भी उसकी भरपाई नहीं हो सकती, लेकिन 5 करोड़ का फाइन लगा करके छोड़ दिया गया। भारत सरकार और वर्जीनिया यूनिवर्सिटी दोनों ने मिल करके एक स्टडी की। इस स्टडी को आप प्लान भी कह सकते हैं जिसका नाम है यमुना रिवर प्रोजेक्ट। इस स्टडी को 5 साल में कंप्लीट किया गया और इसे हरदीप पुरी ने
रिलीज किया था। दरअसल इस स्टडी में यह भी देखा गया कि कारण क्या है कि यमुना जो है इतनी तबाह हो रही है, और इसमें प्लान भी आगे के लिए बनाए गए कि किस तरह से यमुना को हम फिर से जिंदा कर सकते हैं। इस स्टडी ने पाया कि दिल्ली के लोग अपनी नदी से बिल्कुल डिटैच हो चुके हैं, उन्हें अपनी नदी से कोई मतलब ही नहीं है। ये जो स्टडी है इसके लिए दिल्ली जल बोर्ड और वर्जीनिया यूनिवर्सिटी साथ आए, लेकिन जब कुछ पत्रकारों ने इस स्टडी, इस प्लान से जुड़ी हुई कुछ बातें दिल्ली जल बोर्ड से की तो उनकी सच्चाई सामने आ गई। पत्रकारों के हिसाब से दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों को पता ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ चल रहा है। इतना ही नहीं, एक अधिकारी जिसको कुछ जानकारी थी उसने यही कहा कि अरे कुछ नहीं है, बस एक रिपोर्ट बना दिया है। इसको लेकर के जब पत्रकारों ने LG ऑफिस से बात करने की कोशिश की तो LG ऑफिस से कोई जवाब ही नहीं मिला उनको। तो आप समझिए कि ये जो है, जिसमें स्पेन ने भी इस स्टडी में मदद की, 2017 में जब प्रधानमंत्री मोदी स्पेन गए, वहां से फिर स्पेनिश जो गवर्नमेंट है वहां पे उनके साथ बातचीत हुई क्लाइमेट क्राइसिस को लेकर के, पानी की दिक्कतों को लेकर के, जिसके बाद से स्पेन ने कहा कि इस स्टडी में हम आपकी मदद करेंगे। यानी कि इतनी बड़ी ये स्टडी जिसमें भारत सरकार और दिल्ली जल बोर्ड से लेकर के स्पेन, वर्जीनिया यूनिवर्सिटी सब शामिल है, उसको लेकर के कोई जानकारी किसी भी अधिकारी को नहीं है। मीडिया में इस समय जो दिखाया जा रहा है वो आप कह सकते हैं कि नदी की हानि है, क्योंकि बार बार कहा जाता है कि विनाश लीला है, हिमाचल में इतने लोग मर गए, हिमाचल में ये हो गया, दिल्ली में स्थितियां देखिए, नदियों की विनाश लीला, प्रकृति की विनाश लीला। लेकिन क्या ये प्रकृति की विनाश लीला है? आइए चलते हैं हिमाचल, देखते हैं। हिमाचल जो है इस समय सबसे बर्बाद राज्यों में से एक हो चुका है बाढ़ की वजह से। लेकिन क्या ये बर्बादी बाढ़ की वजह से है या फिर वहां के लोगों, वहां के सरकारों की गलती की वजह से है? हिमाचल से भयानक तस्वीरें सामने आई जिसमें दिख रहा है कि पानी तेजी से नीचे आ रहा है और घरों को बहा के लेके जा रहा है। अब ये बताइए, इस वीडियो में आपने क्या देखा? सबने देखा कि पानी बहुत तेजी से आया और चीजों को, सामान को बहा के लेके जा रहा है, लेकिन क्या आपने देखा कि कटे हुए पेड़ साथ में बहकर के आ रहे हैं? यानी कि पहाड़ी इलाकों में इतनी ज्यादा डिफॉरेस्टेशन यानी कि जंगलों की कटाई हो रही है कि पानी रुक ही नहीं रहा है, मिट्टी जो है वो रुक ही नहीं रही है। अब मिट्टी नहीं रुकेगी तो पानी कैसे रुकेगा? तो पानी के साथ आप देखिए मिट्टी आ रही है और उसी मिट्टी में, उसी पानी में आपको कटे हुए पेड़ बहते हुए नजर आएंगे। यानी कि बर्बादी सामने है तो बर्बादी का कारण भी सामने दिखाई दे रहा है। चाहे उत्तराखंड हो या हिमाचल, लगातार वहां पे आप देखिए लैंडस्लाइड्स होते रहते हैं। कभी पहाड़ों पर से पत्थर गिर गया, कभी पूरे के पूरे पहाड़ ही धस गए, कभी जमीन धस जाती है, मकान बह जाते हैं, थोड़ी सी बारिश में बर्बादी ऐसे हो जाती है जैसे कि सुनामी आई हो। आखिर ऐसा क्यों होता है? इसका सबसे बड़ा कारण है कि विकास की दौड़ में पहाड़ी राज्य भी उसी तरह के निर्माण करवा रहे हैं जिस तरह से बाकी राज्य करवा रहे हैं। यानी कि आप पहाड़ों में 4 लेन बनवा रहे हैं, पहले से ही खुदाई कर करके पहाड़ों को कमजोर कर दिया गया। अब उन पहाड़ों के बीच से हाईवे निकाला जा रहा है। आप देखिए पहाड़ों के बीच में होटल बना करके महंगा महंगा चार्ज किया जाता है। यानी कि हमने पहाड़ों में छेद कर दिया है और उस छेद में ठहरने के पैसे भी हम भरते हैं। दुनिया भर के प्रोजेक्ट्स ला करके सुरंग बनाए जाते हैं, कहीं पे माइनिंग हो रही है, कहीं पे कुछ हो रहा है, पहाड़ जो कि पहले से कमजोर है वो लगातार इन प्रोजेक्ट्स की वजह से हिलते भी रहते हैं। और यही सब आप देखिए कि निर्माण के वक्त जो कचरा इकट्ठा हुआ रहता है वही कचरा बह बह करके ऊपर के हिस्से से नीचे तक आ रहा है, जो कि लोगों के जान के साथ खिलवाड़ कर रहा है। बिहार हर साल डूबता है, हर साल डूबता है। पत्रकार रहते हुए टीवी चैनलों में मैंने बिहार की बाढ़ को बहुत कवर किया और वहां पे सबसे ज्यादा ये देखने को मिला कि लोग बाढ़ की वजह से नहीं मरते हैं, लोग दुर्व्यवस्थाओं की वजह से मरते हैं। 72% बिहार हर साल बाढ़ से डूबता है। लगभग तय समय पे ही बाढ़ आती है, 2 से 4 दिन का अंतर हो जाए तो ठीक है, वरना बाढ़ लगभग एक ही मौसम में आती है। लेकिन इन सब के बावजूद भी बाढ़ को लेकर के कोई भी तैयारियां आपको कहीं पे भी दिखाई नहीं देंगी। नदियां जो कि सभ्यताओं को बसाती हैं, नदियां जो कि सभ्यताओं के लिए खुशहाली लेकर के आती हैं, उन नदियों को शोक बना दिया गया। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाने लगा, लेकिन शोक कोसी नहीं है,
शोक वो सरकारें हैं जिनको लोगों को कोसना चाहिए पर वो बैठ करके नदी को बुरा भला बोल रहे हैं। बिहार में बाढ़ का सबसे बड़ा कारण कहा जाता है, हर बार जो भी पार्टी हो सत्ता में आप देखो ये कहती है कि अरे हमारी क्या गलती है, नेपाल ने पानी छोड़ दिया, नेपाल ने पानी छोड़ दिया, चाहे कोसी बैराज हो या गंडक बैराज हो। लेकिन नेपाल से पानी जो छूटता है वो तय कौन करता है? नेपाल? बिल्कुल नहीं, ये तय करती है इंडियन गवर्नमेंट। जी हाँ, पानी छोड़ने का निर्णय जो है वो नेपाल खुद नहीं लेता है, लेकिन इसके बावजूद सारा का सारा जो दोष है वो नेपाल पे राजनेता डाल देते हैं, क्योंकि वो सबसे अच्छा तरीका है कि भाई अब विदेश में हम क्या कर सकते हैं, हमारे देश की बात थोड़ी ना है। इसके उलट नेपाल में आप देखिए, नेपाल के लोग और नेपाल की सरकार नाराज रहती है कि भारत सरकार बैराज के गेट नहीं खोलने देती, जिसकी वजह से काफी नुकसान हो जाता है और समय से पहले ही वहाँ बाढ़ की स्थिति बन जाती है। बिहार में बाढ़ से बचाने के लिए एक ही काम किया जाता है कि तटबंध बना दो, पर जैसे जैसे तटबंध बनते गए वैसे वैसे बिहार में बाढ़ फैलने लगी। इसके बावजूद अभी तक क्या इतनी भी सीख नहीं ली जा सकी है कि अगर तटबंध बनने के बाद बाढ़ बढ़ रही है इसका मतलब है कि सॉल्यूशन तटबंध नहीं है। आंकड़ों की अगर हम बात करें तो 1954 में जितने तटबंध बने थे उनका कुल इलाका 160 किलोमीटर, ये नंबर अब बढ़ करके 3790 किलोमीटर हो चुका है और इस नंबर के साथ ही बाढ़ पीड़ितों की भी संख्या बढ़ गई। हर साल तटबंध बनाने में, उनकी मरम्मत करने में 156 करोड़ रुपए बिहार सरकार के लगते हैं, लेकिन हर बार तटबंध जैसे ही पानी थोड़ा बढ़ता है टूट जाते हैं। बिहार के जो छोटे छोटे गांव हैं वहां पे जो तटबंध बनाए गए हैं वो हर बाढ़ में टूट जाते हैं और जैसे ही वो टूटते हैं अचानक से रातों रात तबाही की तरह पानी गांवों में घुस जाता है। यानी कि ये जो करोड़ों करोड़ रुपए का आंकड़ा है कि तटबंधों पे लगाया जा रहा है वो तटबंधों पे नहीं जा रहा है, वो नेताओं के पास जा रहा है। क्योंकि आप जब सच में उन लोगों के पास जाते हैं देखते हैं तटबंधों की हालत कि किस तरह से लोग खुद ही मिट्टी से ईंट से तटबंधों की मरम्मत कर रहे होते हैं तो आपको समझ में आता है कि कितना बड़ा खेल चल रहा है। बिहार का शोक कोसी नहीं है, बिहार का शोक वहां की सरकार है। तटबंध इतने बना दिए गए कि नदी में वहां के गहराई खत्म हो गई है। गाद जो है जो कि खेतों में फैलता था जिसकी वजह से अच्छी उर्वरक भूमि तैयार होती थी वो गाद अब नदी में ही सिमट जाता है और सिमट जाता है तो गहराई खत्म हो जाती है। गहराई खत्म होगी तो पानी जो है ऊपर ऊपर से ही अंदर इलाकों में चला जाता है जहां पे लोग हैं। ये इतनी सी साधारण सी बात है, इसमें कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है, पर लोग या तो समझना नहीं चाह रहे हैं या फिर समझ के भी अनदेखा कर रहे हैं, क्योंकि बाढ़ आती रहेगी तो पैसा आता रहेगा नेताओं के पास, बाढ़ आती रहेगी तो फंड्स आते रहेंगे, नदियां गंदी रहेंगी तो उनकी सफाई के लिए फंड आते रहेंगे, तो फिर सफाई करनी ही क्यों है भाई। अनुपम मिश्रा कहते हैं कि हमारा देश बाढ़ से खेलना जानता था, लोगों को पता होता था कि बाढ़ कब आएगी, वो हालांकि अभी भी पता रहता है लेकिन तब लोग इसके लिए तैयारियां रखते थे। अनुपम मिश्रा कहते हैं कि तैरने वाला समाज डूब रहा है और वो एक कहानी सुनाते हैं कि कैसे हमारे यहाँ बाढ़ से निपटा जाता था। वो लिखते हैं कि 2500 साल पहले एक संवाद में हमें बाढ़ का वर्णन मिलता है। ये संवाद भगवान बुद्ध और एक ग्वाले के बीच है। ग्वाले के घर में किसी दिन भगवान बुद्ध पहुंचे हैं, काली घटाएं छाई हुई हैं। ग्वाला बुद्ध से कह रहा है कि उसने अपना छप्पर कस लिया है, गाय को मजबूती से खूंटे से बांध दिया है, फसल काट ली है, अब बाढ़ का कोई डर नहीं बचा है, आराम से चाहे जितना पानी बरसे नदी देवी दर्शन दे करके चली जाएंगी। इसके बाद भगवान बुद्ध ग्वाले से कह रहे हैं कि मैंने तृष्णा की नावों को खोल दिया है, अब मुझे बाढ़ का कोई डर नहीं है। युग पुरुष साधारण ग्वाले की झोपड़ी में नदी किनारे रात बिताएंगे, उस नदी किनारे जिसमें अचानक से रात में कभी भी बाढ़ आ सकती है। इसके बावजूद दोनों निश्चिंत हैं। क्या ये निश्चिंतता आज हम, अगर हमें पता हो कि बाढ़ आने वाली है तो इस निश्चिंतता में हम बात कर पाएंगे? क्या इस तरह का संवाद हम सुन सकते हैं अपने नेताओं से कि बाढ़ आ रही है पर आप चिंता मत करिए, कोई दिक्कत नहीं है, नदी देवी आएंगी दर्शन दे करके चली जाएंगी। बाढ़ अभी से नहीं आ रही है, बाढ़ नदियों की शुरुआत के साथ ही आ रही है। तमाम सभ्यताएं हैं जो कि नदियों के किनारे बसी, तमाम सभ्यताएं हैं जो कि नदियों के किनारे उजड़ गई। कभी बाढ़ तो कभी सूखा, ये कारण रहे हैं सभ्यताओं के बनने बसने और उजड़ने के। प्राचीन भारतीय सभ्यता में
नदी और नारी दोनों का ही बहुत सम्मान होता था और अब दोनों का ही शोषण हो रहा है और यही कारण है नदी और नारी का शोषण होगा तो विकास नहीं विनाश ही होगा और वो विनाश लीला अब देखने को मिल रही है। नदियों ने सभ्यताओं को पाला, नदियों ने संस्कृतियों को बनाया, इसीलिए तो हम गंगा जमुनी तहजीब गंगा जमुनी कल्चर कहलाते हैं। हमारा देश जिसको सिंधु से नाम मिला, इंडस रिवर से इंडिया नाम मिला, वो देश नदियों का अब सम्मान नहीं करता। नदियों ने हमें पाला इसीलिए हमने नदियों को अपनी माँ कहा। नदी का विनाश संस्कृति का विनाश है, नदी का विनाश सभ्यता का विनाश है। तो आज के लिए बस इतना ही, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कर दीजिएगा, आपको लगता है किसी को सुनना चाहिए तो शेयर भी कर दीजिएगा, और हाँ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से मुझे बहुत मदद मिल जाती है। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।